कृष्णा, वेलकम बैक इन विद राधारानी। विद राधारानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमारा नागपंचमी का त्यौहार है, तो नागपंचमी का त्यौहार यानी भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय शेष नाग जी का कई पूजा का दिन। तो कल हम शेषनाग जी की पूजा करेंगे, तो आइए अब हम घर में शेषनाग जी को बनाएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के साथ साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम घर पर शेषनाग जी की नागपंचमी के दिन पूजा कैसे करें। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम शुभारंभ करते हैं। हरि बोल। कल हमारा नागपंचमी का त्यौहार है, तो हम आज आपको दिखाएंगे कि हम घर में शेषनाग जी की पूजा कैसे करें। उनको बना के हमने मिट्टी सान ली है और अब हम उनको बनाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। हमने पहले धरती को गंगा जल से धो के साफ कर लिया है, अब वहाँ पे हम इनको बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको दिखाऊँगा कि हम कैसे इनको बना सकते हैं। पहले हम उनको उनकी शेप देने के लिए पहले हमने स्मॉल पीस जो बना रखे थे, अब उन स्मॉल पीसेस को हम लेंगे और ऐसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, एक के ऊपर एक कि पूरा एक शेप आ जाए, क्योंकि वो शेषनाग जी हैं। सिंहासन होता है भगवान जी का, शेषनाग जी का, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है कि बिल्कुल 7 राउंड से यहाँ पे आने चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ से उनका फन आता है। सेम हम वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई लुक देने का स्टार्ट कर रहे हैं और आज बाकी भगवान की मर्जी। जैसा कि आपने अभी हमने कलर करने स्टार्ट कर दिया है, बस कंप्लीट होने वाला है कलर थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा और वेट, हमारी शेष नाग जी तैयार हो जाएंगे और फिर अपने हम नागपंचमी की पूजा स्टार्ट करेंगे। इनर में हमने वाइट कलर दिया है जिससे वो उनका इनर का पार्ट बहुत अच्छे से दिख सके, और ब्लू लुक की आप लाइनिंग दे देंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। मतलब यहाँ पे ब्लू देके यहाँ ब्लैक दे दीजिएगा, वरना यहाँ पे जैसे मैंने क्या ब्लू देके ब्लैक किया वैसे कर लो, वरना यहाँ ब्लू देके यहाँ ब्लैक कर लो, अलग अलग आपकी चॉइस है, बेस्ट दिखेगा। हरे कृष्णा, वेलकम बैक इन विद राधा रानी। विद राधा रानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल है हमारी नागपंचमी, तो नागपंचमी के उपलक्ष्य में मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कल हम नागपंचमी पे शेषनाग जी की पूजा कैसे करें। शेषनाग जी जो जिन्होंने पूरी धरती को धारण कर रखा है, कल उनका खास दिन है, तो उस खास दिन पे हम अपना खास लाभ कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में आइए हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शेषनाग जी की आकृति बनाएंगे। अगर आपके पास आकृति है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हम अपने हाथों से बनाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने कैसे बना रखा है। हम बनाएंगे, उसके बाद हम उनको उनके लिए फूलों का एक शेष तैयार करेंगे, फूलों का आसन देंगे। फूलों का आसन के बाद उनको हम उनके पीछे आम के पल्लव रखेंगे, आम के पत्ते क्योंकि बहुत शुभ मान जाते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप वहाँ पर अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। केले के पत्ते से आप मंडप को सजा सकते हो, केले के पत्ते हुए, वैजंती के पत्ते हुए, इन सब से आप मंडप को सजा सकते हैं। शेषनाग जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शेषनाग जी किसके ऊपर है, छाया किसको प्रदान करते हैं, वो हमारे कृष्ण। तो अगर आपके यहाँ पे कृष्ण है, शालिग्राम शिला है, महाविष्णु है, नरसिंह देव है, किसी को भी आप उनके अंदर उनकी वहाँ पर स्थापना करके अपनी पूजा का आप स्टार्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पर शालिग्राम शिला को बैठा रखा है, शालिग्राम शिला के साथ हम शेषनाग जी की पूजा करेंगे और फिर उनका हम विसर्जन करेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम एक बार प्रणाम करते हैं भगवान। ओम ज्ञान तिब्रांतस्य ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशाली गौर भक्त वृंदा सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कुबेरकांता राधाकांता नमोस्तुते नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता पड़ता समताम नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष सुनने वाली पाचारे हमने गुरु गौरांग शालिग्राम सुंदर राधा माधव जी को और शेषनाग जी को प्रणाम कर लिया है। हम अपनी आगे की विधि स्टार्ट करते हैं। प्रणाम करने के बाद आपको मैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूजा के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी मुहूर्त हमारा पूजा का घड़ी और टाइम क्या है। कल नागपंचमी की पूजा होगी और कल हमारी जो पंचमी है वो 12 बजे तक है, तो 12 बजे से पहले पहले आप सभी पूजा कर लीजिएगा। तो आइए विलंब ना करते हुए हम जानेंगे हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता है। छोटी थाली के ऊपर एक छोटी घंटी, सामान्य अर्जल के लिए चम्मच के साथ पंचपात्र, ढक्कन के साथ जलपात्र तथा कलश, विसर्जन पात्र, आमीन की जब आप अर्घ देंगे वो देंगे तो उसके लिए एक विसर्जन का पात्र साइड में रख लीजिएगा, अर्ध जल, पाद्य जल, आचमनिया, शालिग्राम जिला को पोछने के लिए कपड़ा, अभी शालिग्राम जिला या कृष्ण है जिनके भी उनके पोछने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, सुगंधित तेल, शंख जल, शंख चाहिए, एक स्नान पात्र, दूध दही घी शहद चीनी, आमीन पंचामृत आपको चाहिए, पंचामृत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध, दूध और लावा, आमीन लावा मीन्स की वो जो लाई होती है उसको उसके वाइट वाइट आते हैं, मैं आपको दिखाता अभी थोड़ा दिखाता बट अभी वो मार्केट से माँ हमारी लाने गई हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो दूध अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूध और जो लावा आप लाएंगे उन लावा को आप शेषनाग जी पर छिड़किएगा और दूध से छींटे मार दीजिएगा, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूध और लावा। तो हाँ चरणामृत रखने के लिए पात्र, साफ कपड़ा, आभूषण, हमने आभूषण भगवान को ऑफर कर रखे हैं ऑलरेडी, अगर आपके पास आभूषण नहीं है भगवान को ऑफर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तुलसी, तुलसी और मंजिया भगवान को ऑफर कर दीजिए, सारे आभूषण थक जाएंगे उसके। गोपी चंदन तिलक के लिए तुलसी की डंडी, गंध चाहिए हमें, अब गंध कैसे बनेगा वो बनता है अगूर कपूर चंदन से मिक्स करके आप भगवान को गंध ऑफर कर सकते हो, पुष्पमाला, तुलसी की मंजरी या तुलसी का पत्ता, अगरबत्ती कपूर घी का दीपक और दिया सलाई नॉर्मल सा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुरुदेव का चित्र, आप इनकी हमें भगवान की पूजा से पहले हमें गुरुदेव की पूजा करनी पड़ती है, गुरुदेव जी से हमें आदेश लेना पड़ता है, गुरुदेव भगवान की वर्शिप करते हैं तो गुरुदेव की पूजा सब आई मीन गुरुदेव का चित्र। गुरुदेव के चित्र के बाद हमें चाहिए महाप्रभु का चित्र, महाप्रभु या फिर पंचतत्व, पंचतत्व का चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्शिप आगे स्टार्ट करते हैं, हम तो जरिया हैं वर्शिप ये करते हैं भगवान की। और नैवेद्य हमें चाहिए आमीन की, नैवेद्य के लिए आप भगवान को क्या क्या ऑफर करोगे, हमें नाना प्रकार के व्यंजन जो भी आप बनाओ घर में जो भी प्यार से बनाओ भगवान को ऑफर करो, हमें बस ये कुछ चीज़ें चाहिए भगवान की पूजा के लिए और हमारी पूजा हो जाएगी पूर्ण। सबसे इम्पोर्टेंट दूध और लावा बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उसके बाद भगवान की आप आरती करके या आरती से पहले एक उपला लीजिएगा, आमीन गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको थोड़ा सा तोड़ के उसको एक आमीन कंटेनर में रख के और उसको उस पर कपूर रख के जला दीजिएगा और कुछ घी से आहूतियाँ दे दीजिएगा शेषनाग जी के लिए और शालिग्राम जिला के लिए, देन आप आरती करके उनकी आरती करके प्रणाम करके आचमन करके और फिर विसर्जन कर दीजिएगा और जो दूध और लावा होगा उसको पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, तो हमारी नागपंचमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। ये तो हमारी नागपंचमी की पूजा हो गई, अब हम नागपंचमी की पूजा जो हम कर रहे हैं उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट हो जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट हैं, शेषनाग जी हैं धरती को धारण कर रखा है, सोचो जिसने धरती को धारण कर रखा है वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो इस नागपंचमी जाइए जल चढ़ाइए पूजा कीजिए और अपने लिए बहुत सारी खुशियाँ भगवान से मांग के लेके आइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस पूजा से आपके ऊपर काल सर्प दोष है या फिर बहुत सारे जो सांप के हमारे दोष होते हैं या भय है आपको सांपों से बहुत डर लगता है तो कल के दिन नागपंचमी की पूजा करके आप
अपने सारे भयों से छुटकारा पा सकते हो और काल सर्प दोष से भी आराम छुटकारा पा सकते हो इस आराम से नागपंचमी की पूजा से। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे वाले आगे सभी को शालिग्राम चला के और शेषनाग जी के दर्शन मिल सके। और बलराम पूर्णिमा के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए कि बलराम पूर्णिमा पे आपको हम भगवान का सुंदर सा अभिषेक दिखा सकें।